लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं 112 की टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। ये खड़ी है महिला, ये खड़ी है, देख सकते हैं 112 की टीमें यहां पर पहुंच चुकी है। किस प्रकार से कैफे के बाहर ये महिला है, ये खड़ी है महिला, कहाँ है हस्बैंड आपके? अभी तो यही खड़ा था वो, क्या बोल के गए आपको, क्या बोल के मेरे साथ बोलना ही नहीं वो, तो फिर कहाँ से हो आप, कहाँ से हो? मैं गाँव मुस्ताबाद से हूँ। मुस्ताबाद, ये कहाँ पड़ता है? ये यही पे है, ढाक वाला के पास, ये जो पास में गाँव है वहीं से ही। देख सकते हैं इस समय फिर के घर से भगाई थी उसने। किसने? मेरे हस्बैंड ने। आराम से बोल, मेरे हस्बैंड ने आराम से बोल, हमारे ऊपर क्या जोर दिखा रही है? आराम से बोल, से मार पीट के भगाई थी। फिर आप थाने में क्यों नहीं गए? थाने में, हां उनसे बड़े भी अधिकारी है, उनसे मिल लेते हैं, सुनवाई नहीं हुई। यहाँ क्या था? अरे गुस्सा होके तो आ गया आप, फिर यहाँ कौन सा गुस्सा ठंडा हो रहा है? कहाँ थी यहाँ पर? यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। फोन किया, आपने किया था? इसके पति ने किया था, वो पति इसका कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, कहाँ जा रहा है? आस पड़ोस में क्या क्या देखो, आप पता करो यहाँ आसपास होगा। देखिए 112 की टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं। 112 आपके आपके नंबर है पति का? आपने नंबर है, नंबर बोलो। 905069 महिला अपने पति का नंबर बता रही है और इस समय अगर आप देखें पुलिस बोलो नंबर बोलो 90 इस समय तमाम पुलिस यहां पर मौजूद है और किस प्रकार से पुलिस यहां पर मौजूद है और पुलिस यहां पर मौजूद है और महिला जो है इस समय पुलिस के सामने किस प्रकार से, क्योंकि बड़ा बवाल यहां पर थोड़ी देर पहले बहुत बवाल हुआ था, उसके बाद तमाम पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद हो चुकी हैं और इस समय पति जो है इसका, पति जो है इस समय देख सकते हैं पुलिस जो है यहां पर मौजूद हो चुकी है, पति जो है महिला का वो इस समय यहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप देखें भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। मैडम पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, वो तो उसी को पता ना, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो तो आप उसी से पूछो ना, वो ऐसे क्यों बोले जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? अलग कब से रह रहे हो उससे, कब से अलग रह रहे हो? मैं आज हो गए 4-5 दिन हो गए। नाम क्या आपका? नाम क्या, नाम क्या आपका? मुझे मारा था बेटा, पर रात को भगा दी थी उसने मेरा। तो आपने पुलिस वालों को कंप्लेन नहीं की कहीं भी? चलो उनको नाम लिख लेंगे, तो उनको डिटेल दो, उनको डिटेल दो आप। जोर से बोलो ना, जैसे पुलिस यहाँ पर मौजूद है भारी संख्या में, अगर देख सकते हैं पब्लिक जो है लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हो चुके हैं इस समय। करनाल की, करनाल के मुगल कैनाल से ये तस्वीरें हैं, किस प्रकार से एक महिला इस कैफे में, इस महिला के पति ने, आपको बताऊं, इस महिला के पति ने इसको एक कैफे में, मुगल कैनाल स्थित एक कैफे में यहाँ पर पकड़ा और उसके बाद 3 लड़कों के साथ इस महिला को यहाँ पर पकड़ा था। इस समय आपको दिखाऊँ 112 की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हो चुकी है, 112 की टीमें यहाँ पर मौजूद हो चुकी हैं, पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी अगर आप देखें लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। महिला इस समय बेहद परेशान तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पति के द्वारा ये भी आरोप लगाए गए थे, कि ये महिला जो है यहाँ पर 3 लड़कों के साथ यहाँ पर पहुँची थी। और इस समय आपको बताऊँ पुलिस जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जानकारी जो राती हुई पति का नंबर लेते हुए तमाम लोग अगर आप देखें यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद थे। और इस समय मुगल कैनाल पर पूरी तरीके से अगर आप देखें लोग जो है, पब्लिक जो है वो बहुत भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हो चुकी है। आप सभी से निवेदन करूँगा कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें और ये देखिए भीड़ जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ 112 यहाँ पर मौजूद है और पुलिस यहां पर, हालांकि इसके पति के द्वारा ये बताया गया था कि 1 घंटे पहले लगभग फ़ोन किया था, लेकिन पुलिस यहां पर अब मौजूद हो चुकी है और देख सकते हैं कि 112 की टीमें, तमाम पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद हो चुके हैं। महिला जानकारी देती हुई नज़र ज़रूर आ रही है यहां पर, लेकिन इस समय बड़ा सवाल कि मुगल कैनाल पर किस प्रकार से तमाम कैफ़े हैं, लेकिन इन कैफ़ों पर आखिर क्यों नहीं किसी प्रकार का
पुलिस प्रशासन गौर फरमाती या नगर निगम ने भी आपको बता दूं कई बार इन कैफे वालों को भी नोटिस भेजी है, लेकिन आज तक ये कैफे जो है क्यों नहीं बंद हो पाए। तमाम इन कैफों के अंदर क्या काम चलते हैं वो सभी को पता है, लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन मुगल कैनाल कैफे के बाहर ये देखिए भीड़, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस कैफे के बाहर किस प्रकार भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। एक बार चलते हैं फिर से महिला के साथ। दोस्तों आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। ये महिला है यहाँ पर और कैफे, ये देखिए कैफे जो है वो चेक करते हुए पुलिस। क्या हुआ सर, चले गए यहाँ पर लॉक लगा के? सर इनके इनके पति के द्वारा ये कहा गया था कि तीन लोगों के साथ इनको यहाँ पर पकड़ा था उन्होंने, और एक युवक यहाँ से भागता हुआ भी नजर आया था। सर कैमरे से पता चल जाएगा ये कितने बजे आई, कितने लोगों के साथ आई, यहाँ कैमरास लगे होंगे? सर यहाँ दो मोटरसाइकिल खड़ी हैं, दोनों मोटरसाइकिल वो हैं इसके पति के द्वारा कहा गया, इस मोटरसाइकिल पे जो लड़के आए थे वो थे इनके उसके साथ। हमने इसकी सूचना थाना सिविल लाइन में दे दी, वहाँ से आईओ आएगा, मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लेंगे, फिर उससे डिटेल भी निकल जाएगी किसकी है, कहाँ की एड्रेस आ जाएगा। महिला के द्वारा क्या बताया गया? महिला बोल रही है अभी मैं तो एक घंटे पहले यहाँ अपने घर वाले के साथ झगड़ के आई थी, मैं तो वैसे यहाँ बैठी थी, अंदर नहीं गई थी, कैमरे में आ जाएगी। ये कह रहे थे सर, पहले कह रहे थे दवाई लेने आई थी, लेकिन मुगल कैनाल पे तो कोई मेडिकल स्टोर नहीं है यहाँ पर। चलो वो देख लेते हैं बाद में, दवाई बिल्कुल आप देख सकते। लेकिन सर लगता है मुगल कैनाल पर बहुत सारे ऐसे कैफे हैं जहाँ पर पता है, पुलिस प्रशासन को भी जानकारी है कि यहाँ पर गलत काम होते हैं, इन कैफों के अंदर कोई ना कोई ऐसा काम चलता है उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। आपके सामने आप भी देख रहे हैं। लेकिन सर इलीगल तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर जाते हैं और हर किसी को पता भी है, फिर इंक्वायरी क्यों नहीं की जाती? सिटी थाने से आ रहे हैं सर, सिविल लाइन थाने से, सिविल लाइन थाने से। आपको बता दूं ये वो कैफे है, सुपर स्टार कैफे आपके सामने है, और इस कैफे के अंदर ही किस प्रकार से ये जो महिला है ये देख सकते हैं, महिला कुछ पता नहीं किया उसने, चार साल से वो मेरे साथ, मैंने एक बार कुंजपुरा थाने में भी कंप्लेंट की थी। आप एक मिनट है ना हमारे साथ थाने चलो, वही इसका पति क्या है ना उसको सिविल लाइन थाने भेज, ठीक है, जिस पे मैसेज हो ना उसका पति को गया सर इसके कॉल आ रहा है। अभी मारता पीटता क्यों था आपको? मुझे नहीं पता वो क्यों मारता पीटता था, मुझे बहुत ज्यादा मारता है वो, कई बार मेरे को उसने जान से मार देने की भी कोशिश की है। तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? मैंने अपने घर वालों को बताई है, पर घर वाले मेरे दो बच्चे हैं कि हां दो बच्चे हैं वहां पे जाओ, वो भी वहां पे भेज देते हैं, एक 5 साल का लड़का है, 1.5 साल का लड़का है, बच्चों के मुंह पे देख के वो मुझे बार बार भेज देते थे, बार बार भेज देते थे। अब जो हुआ ना बहुत ज्यादा हुआ। कितने साल हो चुके हैं शादी को? कितने साल हो गए आपकी? मेरी शादी को 5वां साल है, 5-4 साल से ये सब कुछ चल रहा है, मारपीट चल रही है, घर से भगा देता है। कभी कॉल नहीं करी आपने पुलिस को? कभी कॉल कंप्लेंट नहीं करी? अब बच्चे आपके साथ रहते हैं? बच्चे नहीं, मेरे पास बच्चे नहीं है, बच्चे उसने छीन लिए मुझसे, बच्चे नहीं है मेरे पास। यहाँ पर आप वैसे यहाँ पर क्या करने आए थे आप? मैं गुस्से से आई थी, लड़ाई से आई थी, झगड़ा हुआ था, मैं यहाँ पे बैठी थी, उसने ये सब ड्रामा क्रिएट करते ना, मैं किसी कैफे के अंदर गई। आपके पति का कहना है कि आपको कैफे के अंदर से पकड़ा, जो युवक था वो भाग चुका। वो युवक कौन था जो भागा था कैमरे को देख के? आप कह रहे थे कि फॉलो कर रहा था आपका पति आपको? कर रहा था, मेरे को नहीं पता। पीछे किस किसके साथ बैठे थे जब फॉलो कर रहा था? मैंने नहीं देखा, मैंने यहाँ मैं बैठी थी। नहीं आपने कहा था कि फॉलो कर रहा था आपका पति, अभी अभी बोला। ये ड्रामा क्रिएट करने के लिए सब कुछ, वो शुरू से कह रहा है मैंने नहीं रहना, मैंने नहीं रहना, तलाक चाहता हूँ, ये उसने ये सब तभी किया उसने ये सब ड्रामा क्रिएट न रहने की वजह से। ऐसे तो आप बैठ के भी इसको समझा? नहीं बैठ के नहीं समझता, वो नहीं समझता बैठ के, वो उसको ये सब ड्रामा करना था ना, कर दिया उसने, उसको ये सब चाहिए था तभी किया उसने, डिवोर्स चाहिए था तो प्यार से आराम से ले लेता ऐसे। आपने उसको थप्पड़ क्यों मारे थे अभी? 4-5 थप्पड़ आपने मारे उसको? मेरे को बहुत मारा, उठा के फेंका था मेरे को उसने, बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा था, रात को घर से बाहर निकाल दी ना, मेरे पास एक पैसा ना बचा। यहाँ तो आप मार रहे हो उसको, वो कैसे मारेगा आपको जब आप मार रहे? यहाँ आपने 3-4 थप्पड़ मारे उसने, जब मेरे को मारा तब फिर भाग गया मेरे को मार के, मेरे को घर से बाहर निकाल दी, फिर मैं किसको बोलूं? आज तो उसने हाथ नहीं उठाया था आपके ऊपर, लेकिन आपने मारा यहाँ पर सबके सामने मारा उसको। आपको मार रहा है तो
पुलिस नाम की एक चीज बनी है जहाँ आप हिफाजत लेने या सुरक्षा के लिए जा सकते हैं, आज तक क्यों नहीं गए? पुलिस इनको अपने साथ लेकर जाती हुई 112 की टीमें जो यहां पर पहुंची थी वो इस महिला को अपने साथ लेकर जाती हुई नजर आ रही है। आप सबसे निवेदन कि इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें, आपको क्या लगता है किसकी गलती है। इस समय पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद है। सर 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 एक बार बता दीजिए क्या सूचना मिली थी और क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई थी? लड़की जो है ना उसके पति ने पकड़ रखी है दो तीन लड़कों के साथ, ये मेरी सूचना मिली थी। केस आया था आगे देखे यहाँ पे कली लड़की मिली है। कौन से थाने में लेकर जा रहे हैं सर? सिविलियन थाना का पड़ता है ये। अच्छा पति यहाँ पर नहीं आया सर? उस समय पति भी यहीं पर था, लगभग एक घंटा के करीब हो गया वो भी यहीं पर था। आपको बारे को मिला नहीं है? वो आपको बुलाया जाएगा पति को, आप देखते हैं क्या सर। कैफे में कैफे जैसे कैफे वाला भी यहाँ से चला गया है, क्या कहेंगे? कैमरे चेक किए जाएंगे, देख सकते हैं। इस समय महिला जो है वो अंदर बैठ चुकी है और इस समय ये महिला जो है गाड़ी के अंदर बैठ चुकी है। इस समय पुलिस जो है इस महिला को अपने साथ लेकर जराना जी 112 की टीम है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें और 112 के अंदर देख सकते हैं महिला जो है अब बैठ चुकी है। इस महिला को लेकर यहां से पुलिस कर्मचारी जो हैं वो यहां से जा रहे हैं और इस समय अगर आप देखें मुगल कनाल पर जो भीड़ है लोगों का तांता यहां पर लगा हुआ है। और मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूँ, ये महिला है, ये देखिए ये महिला बैठी है अंदर और इस महिला के द्वारा ही अपने पति के ऊपर बेहद गंभीर आरोप, संगीन आरोप लगाए गए कि उसके द्वारा लगातार पिटाई। ये दो मोटरसाइकिल खड़ी हैं कुलदीप जी, हाँ ये दो मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, ये एक बिना नंबर की है, एक वो नंबर वाली है। पर नहीं है नंबर प्लेट तक इसे बाइक पर नहीं है, तो आप देख सकते हैं दूसरी बाइक ये है। देखिए देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से ये दोनों मोटरसाइकिलें जो है एक युवक जो है आपको बताऊं जरूर कार्रवाई करती हुई यहां पर जरूर दिखाई दे रही है। इस समय पुलिस देखिए मोटरसाइकिल का नंबर जो है वो नोट कर लिया, सिविल लाइन थाने से आईओ को बुला लिया गया। आपको बता दूं सुपर स्टार कैफे है ही नहीं अभी यहाँ पर, वो जा चुके हैं यहाँ से। पति जो है वो यहाँ से इनका जा चुका है और भाई जब आप थे उस समय जब यहाँ पर बवाल, तो क्या लगता है आपको? लगता है आपको कैफे बहुत सारे मुगल कैनाल पर है, कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए? कैफे काफी हो गए हैं जी, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कैफे में क्या चलता है अंदर? यही कबूतरबाजी है जी, और क्या धंधे बना रखे हैं लोगों ने, दो दो घंटे के दो दो सौ रुपए जो सुनने में आया लेते हैं ये लोग। पहले तो सुनने में आया था 10-11 है, अब और सुनने में आया कि 15-16 हो गए, ज्यादा हो गए होंगे। बल्कि लगता है आपको कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे कैफे के ऊपर? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे लगाम देनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है ये काम हो रहा है, ये सारा गलत है, ये सब पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। सभी कैफों की जांच होनी चाहिए, 2x2 के 4x4 के केबिन बना रखे हैं अंदर। तो सर कई सालों से चला आ रहा है, जांच आज तक नहीं हुई, फिर रिलीज हो जाते हैं, एक दो दिन का काम होता है ये, उसके बाद बोर्ड चेंज हो जाते हैं। जारा कैफे से राधे कैफे हो जाता है, राधे से कृष्णा कैफे हो जाता है, दो चार दिन की छूट देके फिर दोबारा ये। सर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं? मैंने नहीं देखा जी, मैं तो पड़ोस में शॉप है अपनी, ये तो जैसे रोड़ा देख के मैं आ गया। मैं कभी आपने देखा है इन कैफों के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे होते हैं? अपना मतलब रखते हैं जी, ज्यादा हमें तो बाहर का ध्यान रहता ही नहीं है, बाकी ये गांव की छोटी छोटी लड़कियां हैं जो कई कैफे मेरी दुकान के सामने भी है कैफे। सर इलीगल तरीके से चल रहे हैं, आपने नोटिस भी किया है छोटे? ये आ गए पति, आ गए ये पति, आ गए ये आ गए हैं, ये आ गए कुलदीप जी, ये है इनके पति, ये है इनके पति। क्या हुआ था पूरा कैफे पे? कितने लड़कों के साथ पकड़ी आपने? तीन लड़कों के साथ। तीन लड़के थे तो वो मना कर रही है कि नहीं मैं तो किसी लड़के के साथ नहीं आई? पकड़ा सी, ये बहुत संगत लगती है जी। भागे वो लड़के कौन से जो भागे थे? वो लड़के कौन थे जो भागे थे? मैं आ रहा था जी, मैं सामान लेने बर्गर का काम करता हूँ जी। अच्छा, करनाल में बर्गर का सामान लेने लेने आता हूँ शाम को, अभी दोपहर के टाइम लेने आया सामान। देखिए जी ये बैठ के आ रही है, बाइक पे बैठी थी। ये कहती है आप बहुत मारते पीटते हैं उसको? नहीं मारते पीटते जी, आपको भी मारा उन्होंने? यहीं पे मारा जी, यहीं पे मारा जी, चार थप्पड़ मारे जी। चार थप्पड़ क्यों मारे हैं? पता नहीं क्यों मारे। कैफे तो बंद है, ये कैफे जो आप कह रहे थे कैफे तो खुला होता जी पहले जी। लड़का कौन था जो भागा था इस कैफे में से? आप पीछा करते हुए आ रहे थे? नहीं पीछा करते नहीं, मैं सामान लेने आ रहा था। हाँ जी जानता लड़की को? पड़ोसी है जी, पड़ोसी। उसी के गांव का, इसी के गांव का है वो लड़का, उसका विकास है जी।
देखिए इस समय जानकारी नोट कराते हो राणा जी, आईडी थोड़ा सा नीचे करना, इस समय जानकारी नोट कराते हो बता रहा हूँ। एक लड़का मोदीपुर का और एक लड़का, देखिए आधार कार्ड उसका पकड़ा है, विकास की डैडी का। राणा जी आईडी कर लो यार, भाटिया नाम है। हेलो, कभी बात मोदीपुर के, कभी देखा बात करते हुए या मिलते हुए इनको? हाँ जी देखा, अभी तो पकड़ा है जी। अरे पहले, इससे पहले नशे की गोलियां पकड़ी जी घर में जी, बहुत भारी घर में भी क्या रखा है जी। किसको देते थे नशे की गोलियां, क्या सुला देती थी आपको? अच्छा, ये शख्स आपके घर भी आते हैं? इन लड़कों को कभी घर भी आना देखा है या आसपास देखा है घर के कभी? हाँ जी, ये जो लड़के हैं आते हैं जी घर। महिला कह रही है 5 साल शादी को चुके हैं, आप बहुत मारते पीटते हैं इसलिए ये घर में नहीं बैठते। कब से अलग रह रही है आपसे? अभी अभी जी भागी थी घर से जी ये। हाँ जी, नहीं सर जी 4-5 दिन हो गई थी। अच्छा जी, अपने घर पे चली गई थी अपने जी। घर कहाँ है इसका? हाँ जी घर मुस्तफाबाद। हाँ जी घर से वही। हाँ जी वही थी जी, अपने घर से घर में थी जी, घर से वही आए थी जी, घर से आए। हाँ जी, ये पता नहीं है जी, मैं सामान लेने आया, मैं पीछे पीछे आ रहा। बच्चे भी थे? बच्चे मेरे पास थे, बच्चे छोड़ के ये भाग आई है मेरे। नहीं, कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, लड़के हैं दोनों लड़के छोड़ के भाग गए थे। एज एक की 5 साल है, एक की 1.5 साल है। नहीं मैं तो उसका कैमरा बंद करा, मैं पहुँच जाऊँगा। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं तलाक। अच्छा जी, वो तो होगा कोर्ट से, उससे पहले कुछ दिन रहना पड़ेगा थाने में। सिविल लाइन में चलो, वहीं चलते हैं हम भी आ रहे हैं। क्या किस चीज़ में? मेरे साथ जी जाएगी। आप इसके जीत जाओ से पूरी कहानी का पता आपने? देख सकते हैं इस समय जो पति है वो इस समय पुलिस के साथ जा रहा है, यहाँ पर जरूर लगा हुआ है। और ये देखिए पुलिस जो है इस समय पति को साथ में लेकर जा रही है। देखिए पत्नी जो अंदर है और पति भी यहीं पर मौजूद है, उसको साथ लेकर आती हुई नजर आ रही है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कमेंट करके आपका, हाँ जी सुनो, आपका क्या नाम है? मोनू। एक मिनट जी, हम कर ले काम अपना। कर लो। देख सकते हैं इस समय पुलिस अपने साथ जो है इस समय महिला को लेकर जाती हुई और मोटरसाइकिल से जो पति है अपने जीजे के साथ है वो मोटरसाइकिल से सिविल लाइन थाने, जो सिविल लाइन थाने लेके जाएंगे। कुलदीप जी हैं, आईओ को बता दिया था आपने? देखिए ये लड़का अब यहाँ से फ्रंट लड़का देखिए अब यहाँ से किस प्रकार से थाने जाता हुआ, सिविल लाइन थाने जाता हुआ और 112 में महिला बैठी हुई है। उस महिला को जो है पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। आप सभी से निवेदन करूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें। ये देखिए 434 ERV इस समय पुलिस के कर्मचारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हुए थे, महिला को लेकर अब वो यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि किसकी गलती हो सकती है, क्योंकि महिला ने सभी के सामने, आपको बता दूं इतनी जनता यहाँ पर खड़ी थी, उन सभी के सामने महिला ने अपने पति को 3 से 4 थप्पड़ जो हैं वो लगाए थे। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।